हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल ग्लोबल एज पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने क्लास टेंथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर 3 जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। आपको पता है हमने एक्सरसाइज 3.1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं, उन सभी और एक्सरसाइज 3.5 के भी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो इन सभी वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको इनके वीडियो के लिंक मिलेंगे। आप वहां से भी इनको देख सकते हो और समझ सकते हो। अभी देखिए, एक्सरसाइज 3.5 में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो लीनियर पेयर दिए गए हैं, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। हो सकता है आपको मेरी राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो आप सुनकर इसको समझ सकते हो। तो देखिए, दोनों मेथड से इसको सोल्व करना है। मैं आपको दोनों मेथड वैसे सिखा चुका हूँ, लेकिन जो पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको मैं बहुत पहले सिखा चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको अभी बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो फॉर्म हमें चाहिए उस फॉर्म में लिखेंगे। उसमें कैसे लेकर आएंगे इसको, 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने का क्या तरीका है, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, b1। अब देखिए, ये a है, ये a1 है, b1 है और ये c1 है, ये a2, b2 और c2, ठीक है। तो b1 × c2 - b2 × c1, ठीक है, ये है। फिर y के लिए y/c1 a2 कैसे लिखना है, मैं यहां पर एक बार वो लिख पटा देता हूं। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इस टाइप से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके इसके साथ, इस टाइप से चलेगा ये, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, देखो b1 c2 b1 c2 b2 c1 b2 c1, ठीक। माइनस का निशान आएगा इनके बीच में, क्या आएगा, माइनस का निशान। उसके बाद देखिए, c1 a2 और ये क्या है, -c2 a1, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद देखिए, सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 1, कॉन्स्टेंट के लिए 1, एक्स वाई और 1। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, a1 b2 - a2 b1, इस टाइप से, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए हो, इसको सोल्व कर सकते हो। मैं क्वेश्चन आगे सोल्व करके दिखाता हूं आपको। x डिवाइड बाई, अब देखिए b1 c2 b1 b1, ये है c2, ये है, 5 की और 4 की मल्टीप्लाई -20 हो गया है, क्योंकि माइनस का निशान है यहाँ पर, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 9 और 2 की मल्टीप्लाई 18 और माइनस है तो -18, लेकिन यहाँ पर भी एक माइनस है, हमारे फॉर्मूला में माइनस है, क्वेश्चन में भी माइनस आया यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा प्लस = y/y। c1 a2 c1 का है, c1 a2, तो 9 और 3 की 27 माइनस का माइनस, c2 a1 c2 a1, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 32 = 1/a1 a1 b2 8 16 माइनस 5 और 3 की 15, ठीक है। तो अब आगे कैसे लिख सकते हैं इसको, x/-2 = y/5 और 1/1, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। अभी देखिए, ये जो है ये कॉन्स्टेंट वाला है, तो इसका और इसका एड्रेस निकालते हैं हम एक बार, क्या जाता है हमारे पास, x/-2 = 1, x/-2 = 1, ये इससे हमारे पास क्या आया, दिस इंप्लाइड x = -2 और जो सेकेंड इक्वेशन थी इससे क्या आता है, मतलब
y डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 5। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था सोल्व द लीनियर इक्वेशन, सोल्व करने का मतलब है कि उसमें एक x और एक y दिया गया है, आपको उनकी जो वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइए अगर कुछ समझ नहीं आया है तो। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।